दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे सबूत लेकर आई हूँ जिसे देखने और समझने के बाद आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का कनेक्शन सीधा सीधा आदित्य ठाकरे के साथ में है। मैं आपको बारी बारी हर एक वो पहलू समझाने की कोशिश करूँगी जो इस बात की गवाही देता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का कनेक्शन सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे के साथ में है। इससे पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 13 जून को हुआ है तो उसमें आदित्य ठाकरे कैसे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 13 जून को तो आदित्य ठाकरे का बर्थडे था, वो तो अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में व्यस्त होंगे, तो इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोस्तों, आप पहले मुंबई लाइव का ये आर्टिकल पढ़िए जिसमें साफ साफ लिखा है कि आफ्टर राज आदित्य ठाकरे कैंसल्स हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, यानी कि 13 जून को आदित्य ठाकरे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। आदित्य ठाकरे ने अपने बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था वो कैंसल कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आदित्य ठाकरे 13 जून को अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में व्यस्त नहीं थे तो फिर वो क्या कर रहे थे 13 जून को? ये आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आदित्य ठाकरे नेम एलिजेडली क्रॉप्स अप अगेन इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस एज रिया चक्रवर्ती कॉल लॉग शोज AU डायल्ड मल्टीपल टाइम्स। यानी कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच मल्टीपल टाइम्स बार बार कॉल पर बात की जा रही थी 13 जून को। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ एक दो बार कॉल नहीं की गई थी, आदित्य ठाकरे की तरफ से रिया चक्रवर्ती के पास आती है 17 बार कॉल और रिया चक्रवर्ती की तरफ से आदित्य ठाकरे को की जाती है 44 बार कॉल, जो कि बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि एक मिनिस्टर के साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेस का ऐसा क्या काम पड़ गया कि एक दिन में 61 टाइम्स कॉल पे बात होती है। इनके बीच क्या बात हो रही थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इन्वेस्टिगेशन का, और ये साफ तौर से इंडिकेट करता है दोस्तों कि 13 जून को जो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ उसको लेकर ही कुछ ना कुछ दोनों के बीच खिचड़ी पक रही थी। लेकिन दोस्तों, सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ और 14 जून को हमें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और 15 जून को फिर से रिया चक्रवर्ती की बात होती है, आदित्य ठाकरे से दोबारा से बात होती है। आदित्य ठाकरे से 15 जून को फिर से क्या काम पड़ गया रिया चक्रवर्ती को जो उन्हें वापस से कॉल करना पड़ा? ये भी साफ तौर पे गवाही देता है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर। इसके अलावा मैं और तमाम पहलुओं पर जाना चाहती हूँ दोस्तों, जो साफ तौर पे ये इशारे कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से क्या कनेक्शन है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो हम लोगों को जब मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ तो हम लोगों ने CBI के प्रॉप की मांग की थी। उसी समय दोस्तों, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे की तरफ से स्टेटमेंट क्या आता है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे स्लैम्स डिमांड्स फॉर CBI प्रॉब इन सुशांत सिंह केस। मैं एक बात और जानना चाहती हूँ दोस्तों आप लोगों से और महाराष्ट्र की सरकार से भी, कि अगर किसी हाई प्रोफाइल केस को CBI इन्वेस्टिगेट करती है तो इसमें एक स्टेट की गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर सुशांत के जस्टिस के लिए अगर CBI अपनी प्रॉब शुरू करती है तो इसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर को क्या तकलीफ हो रही थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों, और भी एक एक कर मैं आपको कुछ पहलू दिखाऊंगी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड है। दोस्तों, ये देखिए, ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम में छपा था और ये स्टेटमेंट शिवसेना की तरफ से दिया गया था कि अ कॉन्स्पिरेंसी टू डिफेम आदित्य ठाकरे सेना और सुशांत सिंह राजपूत प्रॉप। और मैं एक और बात जानना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस CBI इन्वेस्टिगेट करती है तो उससे आदित्य ठाकरे की छवि कैसे धूमिल हो सकती है?
क्योंकि उस समय तो आदित्य ठाकरे का नाम भी नहीं लिया जा रहा था जब सीबीआई की प्रॉप की मांग चल रही थी। तो शिवसेना का ऐसा क्यों लग रहा था कि आदित्य ठाकरे की छवि धूमिल हो जाएगी, जबकि कोई नाम भी नहीं ले रहा था उस समय आदित्य ठाकरे का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस केस में। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट दिया जाता है रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माले शिंदे की तरफ से। वो कोर्ट में कहते हैं कि रिया लॉयर क्लेम दैट शी नेवर मेट आदित्य ठाकरे। दोस्तों किसी ने भी नहीं, ना ही कोर्ट ने सतीश माले शिंदे को पूछा था कि क्या रिया कभी आदित्य ठाकरे से मिली है या नहीं। बावजूद इसके सतीश माले शिंदे की तरफ से ये सफाई दी जाती है कि रिया कभी आदित्य ठाकरे से मिली ही नहीं थी। तो ये सारी बातें साफ साफ इस शक को गहरा करती है कि आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के मर्डर से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।